हाय दोस्तों, मैं सिरकान सर आपको उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ चुका है। 31 अक्टूबर तक हमारा जो है एग्ज़ाम गया एआरओ या कटिहार, मुजफ्फरपुर, कहीं भी जो एआरओ में मेडिकल फिट हैं उनका जो है एग्ज़ाम 31 अक्टूबर तक ले लिया जाएगा। तो उस पर मैं कुछ मैराथन मैच लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा डिजिटल तो बोर्ड है नहीं कि हम डिजिटल पर आपको टाइपिंग करके दे देते, लेकिन इसमें जो है आपको लिखना उतना संभव नहीं होगा। इसलिए अगर जो बंदे देख रहे हैं वीडियो को, वो अपना क्वेश्चन जो है हम बोलेंगे उसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे भी बंदे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनका भी सोल्यूशन है, क्योंकि उनका टेस्ट कर लिया था और अच्छा नंबर लाए थे। 100 नंबर में 88, 89, 92, 93 वो क्वेश्चन सही किया था मैथ में। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिएगा कि हम कितना कर सकते हैं, और ज़्यादा चैप्टर से नहीं है इसमें जो है, आपको 8 से 9 चैप्टर है, ठीक है। तो आप देखिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी और सी कर्मशः आयु जो है इनका 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु क्या है। तो औसत आयु निकालने के लिए सबसे पहले तो औसत के लिए जो होता है फार्मूला होता है, औसत बराबर जो होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या, जितना संख्या रहेगा वो सभी संख्या, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तब कह रहा है कि ए बी सी है, ए अलग संख्या है, बी अलग है, सी अलग है, जिनका 32, 36 और 46 वर्ष आयु है, तो इनका औसत आयु। तो औसत आयु के लिए भी बताया कि औसत आयु उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट औसत आयु सभी संख्याओं का योग, तो जो दिया रहेगा इसे प्लस प्लस कर लीजिएगा और बटा जितना संख्या होगा लिख लेंगे, तो 1, 2, 3 है ना, 3 ऐसे हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिएगा, 6, 6, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/3, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिएगा, भागा दे लीजिएगा, तो भागा हो जाएगा 3 बार में लग जाएगा, यहाँ पर लगाइएगा 3 3 9 और 9 में 11 में से 9 गया 2, इधर बच जाएगा 4 यानी 24, और 24 को हम क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 यानी 38 बार, ठीक है। अगला है कि क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा समझना है वीडियो को, आगे पीछे करके समझना नहीं आएगा, कॉमेंट कर सकते हैं आप। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है, तब 50 तक में आप इसको दो रूल से बना सकते हैं, एक तो कि 50 तक में कितना सम संख्या होगा, 50 तक में आधा सम आधा क्या होता है, विषम होता है, तो एक से लेके 50 तक में हम कहेंगे कि 25 जो है आपका सम संख्या है यानी इवन संख्या है, और जो है 25 जो है विषम है। तो सम संख्या का फार्मूला होता है औसत में n+1, क्या होता है औसत बराबर n+1, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा इसका, ठीक है। एक तो ये रूल हो गया, और एक हम लोग लाइन मेथड से बनाते हैं, किस मेथड से, लाइन मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक है। लाइन मेथड जो होता है वो होता है कि आपको देखना है कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसका होता है औसत बराबर, ये किसी में चलेगा, जब आपको नियम क्रम जो होता है एपी में रहेगा, यानी समांतर श्रेणी में सही क्रम रहेगा, दो चाहे चर के अंतर पर अगर रहेगा, तो उसका औसत निकालते हैं कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा सम कहाँ से होता है स्टार्ट, 2 से, और कहाँ तक, 50 तक कहा तो यानी 50 तक, लेकिन 50 के बीच कहता, 50 से पहले कहता, तो 48 से तक हम लेते सम संख्या, लेकिन 50 तक में यानी 50, तो ठीक है, तब फर्स्ट हो गया 2 और लास्ट हो गया 50 बाई 2, तो 50 और 2 52 हो जाएगा, अब 52 यानी कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो इस टाइप से अगला है 100 से कम सभी विषम संख्या, तब फिर वही चीज़ हो गया, अगर विषम है उस समय सम था, अगर विषम है तब बताइए कि एक से लेके 100 तक में, फिर बताइए हमको कितना सम, 50 सम और 50 विषम है ना, 50 सम और 50 विषम। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विषम संख्या का औसत कितना है, तो विषम संख्या का औसत जो होता है फार्मूला, अगर फार्मूला से चलें तो सिर्फ n होता है, आप लिख लीजिएगा ये सब फार्मूला, क्योंकि डायरेक्ट भी आपसे पूछ देता है कि n सम संख्या का औसत कितना होगा, n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो n सम होगा तो n+1 और n विषम संख्या होगा तो सिर्फ n होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से तो इसमें कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लेकिन आपसे अगर फार्मूला से चले, मतलब इससे चले हम,
तो बताइए, एक होता है मेरा फर्स्ट, एक होता है फर्स्ट विषम संख्या और लास्ट विषम संख्या 100 तक में कितना होगा, 99। तो यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 99 और ये कितना हो जाएगा 100, और 100 बाई 2 यानी कितना 50। यही हो गया, ये सम का हो गया, ये विषम का हो गया। ठीक है, तो औसत से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, आगे तीन संख्या का औसत 7 है, तीन संख्या का औसत सात है तथा पहली दो संख्या का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि तीन संख्या का औसत 7 है, तो हम पहले तीन संख्या लिख लेंगे बाबू, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बारीकी से। ठीक है, तीन संख्या जैसे एक, फिर एक दो है, एक तीन, ये तीन वो संख्या है मान के चलिए अलग अलग, इन तीनों संख्या का औसत जो है कितना है 7। तो हम जब टोटल निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल बराबर, यानी जैसे यहाँ पर हम कुल, यही योग बराबर, योग बराबर क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ चलाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो यहाँ पर भी टोटल यानी हम लिखते हैं, तो टोटल बराबर होता है एवरेज गुने एन, एन गुने एवरेज या एवरेज गुने एन। तो एवरेज कितना था 7 और एन कितना यानी 3, तो ये हो जाएगा टोटल मेरा 21। अब कह रहा है इसी में से कि पहली दो संख्या यानी पहला ये दो संख्या का औसत जो है कितना है 4 है, तो इसी दो संख्या का 4, तब फिर यहाँ भी हम टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 4 × 2 यानी 8। अब उसी वही पूछ रहा है आपसे तीसरी संख्या, यानी ये संख्या पूछ रहा है, तो कुल में से तीन वो भाई है, तीन भाई में से दो भाई को हटा देंगे हम, तो तीसरा भाई का निकल जाएगा वैल्यू, तो 21 में से 8 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 13। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, चलिए आगे है फिर कि पांच संख्या का योग 240 है। अभी पांच संख्या का योग दे दिया सीधा सीधे, पहले औसत, तो औसत से योग निकाल लेंगे, और जब योग दे ले है तो ठीक ही है फिर, तो योग से हम कर लेते हैं। चलिए, योग में कह रहा कि पांच संख्या का योग 240 है, तो फिर उसी तरीके से आप कर लीजिए, पहले लिख लीजिए 1, 2, 3, 4 पांच वो संख्या लिख लीजिए, और यही पांचों संख्या का योग जो है हमको दे दिया है 240। ये कौन कौन संख्या है पता नहीं हमें, लेकिन हम पांच संख्या का योग जो है कितना है मान लिए 240। आगे कह रहा इनमें से पहली दो संख्या यानी ये दो संख्या का जो औसत है वो कितना है 30 है, तो हम दो संख्या का औसत अगर कुल निकालेंगे तो कैसे, औसत गुने संख्या, तो डायरेक्ट अल्फा चलते हैं, 3 × 7। आगे कह रहा है हमको कि अंतिम दो संख्या का औसत 70 है, फिर ये दो संख्या का औसत 70 है, तो 70 × 140 पूरा डायरेक्ट। और यही तीसरी संख्या हमको निकालना था, ये तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो ठीक है क्वेश्चन फिर से बार सुन लीजिएगा। कह रहा है कि पांच संख्या का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्या का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्या का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या, वही तीसरी संख्या बच गया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ के और इसमें से जाके घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगा, तो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 140 और 60 200, और 240 में से 60 इधर जाके 200 जाके घट जाएगा, तो तीसरी संख्या कितना निकल जाएगा मेरा 40। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, अब आयु से आ गया, औसत से इतना क्वेश्चन था, अब आयु से है। ठीक है, तो अगला है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, तथा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, रमेश की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से इसको बताएंगे, एक्स मेथड भूल जाना है, एक्स वाला से मैथ नहीं बनता है। ठीक है, एक्स वाला से बहुत टाइम लेगा आपको, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र की, पुत्र राहुल की आयु से, जब कुछ नहीं कह रहा है तो आप समझिए कि वर्तमान की आयु है, कब की आयु है, वर्तमान की आयु है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, रमेश और कौन है, राहुल है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रमेश, हिंदी में लिख देते हैं, रमेश और राहुल है। ठीक है, इसका आयु जो है, किसी भी आदमी का आयु जो है 3 ही आयु होता है, वर्तमान में होता है, एक बाद में होता है, एक पहले होता है जो बीत चुका है, जैसे हम लोग का आयु बीत गया कुछ पहले, उसके बाद जो अभी चल रहा है, एक आने वाला है, तो किसी भी आदमी का आयु 3 ही होता है, तो जब ना कहेगा कुछ तो क्या समझना है, क्या समझना, वर्तमान, वर्तमान का। ठीक है, तो चलिए वर्तमान का आयु हमें दे दिया है,
ठीक है, कितना कह रहा है, रमेश की आयु राहुल अपने पुत्र राहुल की आयु से चार गुना, यानी रमेश जो है पिता है, तो हर हमेशा समझना कि पिता चार गुना हो जाएगा और राहुल एक गुना, है ना, हर हमेशा बाप बड़ा होता है। अगर ना समझ में आया आप लोग को कि क्या आयु कैसे पिता बड़ा है चार गुना है या पुत्र चार गुना है, तो सीधा यही दिमाग में रखना कि हर हमेशा जो है बाप बड़ा होता है, है ना, बेटा भाई जो पहले जन्म जाएगा, ऐसा ना है, हाँ। तो चलिए चार गुना है। अब आगे कह रहा है कि पांच वर्ष पूर्व यहाँ लिखेंगे पांच वर्ष पूर्व उनकी जो है आयु राहुल की आयु से नौ गुनी हो जाएगी, तो किनका, रमेश नौ गुना हो जाएगा और पुत्र एक गुना। अब यहाँ से देखेंगे हम कि वर्तमान और पूर्व में कितना का अंतर है, पांच वर्ष का वर्तमान और पूर्व में कितना का अंतर है, पांच वर्ष का। लेकिन अब यहाँ पर भी तो आयु देखेंगे, यहाँ भी अंतर क्या होना चाहिए, समान। यहाँ देखिए जीरो का अंतर है, यहाँ कितना का है, पांच का, अंतर समान नहीं है। तो क्या बताए थे, जब अंतर समान नहीं हो तो नीचे का अंतर ऊपर से और ऊपर का अंतर नीचे से गुना कर देना है। तो नौ में से एक गया आठ, आठ ऊपर वाला में और चार में से एक गया तीन नीचे वाला में। तो चलिए अभी नया लिख लेना है आयु फिर से, आठ चौ बत्तीस, पहले ऊपर वाला लिख लेना है और आठ है कम आठ, तीन से करेंगे तो नौसिया सत्ताईस और तीन है कम तीन, क्लियर। अब यहाँ कितना का अंतर था, पांच वर्ष का, अब देखिए यहाँ पर भी अंतर समान हो जाएगा, देखिए पांच, ये नहीं है कि यहाँ पर पांच आया है तो ये भी पांच ही आएगा, हो सकता है एक आए दो आए तीन आए, लेकिन अंतर दोनों दने क्या आएगा, सेम आएगा। तो बुक कह रहा था पांच का अंतर, हम भी देख रहे हैं पांच का। अब पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु, तब वर्तमान ये ना है, अब इसको भूल जाना है, अब हमारा ये वर्तमान हो गया, ये पांच वर्ष पूर्व के था, तो वर्तमान पूछा है रमेश के, तो 32 से गुना, 5 से 5 कैंसिल, यानी 32 वर्ष इज राइट आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए आगे है फिर कि 7 वर्ष, क्वेश्चन एक समझना है, बनाना टोटल है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप एक समझ जा रहे हैं अच्छे तरीके से तो कितनों क्वेश्चन रहेगा आप उसको बना लीजिएगा फट से, ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कर्मशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें पूर्व का दे दिया है, बाद का दे दिया है और वर्तमान के पूछ रहा है, डरना नहीं है कि भाई वर्तमान के दे दिया बाद का दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आराम से लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी दो था, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, लिख लिए। फिर आगे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कभी भी वर्तमान की आयु डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम जो दिया हुआ है हम उसी चीज को निकाल सकते हैं, तो हम पूर्व या बाद के निकाल लेंगे, और अगर पूर्व के निकाल लेंगे तो वर्तमान आने के लिए 7 जोड़ देंगे, और अगर हम बाद के निकालते हैं तो उसमें से 7 घटा देंगे वर्तमान आने के लिए, है ना। यस सर। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर अभी बताए थे पहले, इससे पहले वीडियो में, कि अंतर निकालते हैं, तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले और 7 वर्ष बाद, तो पूर्व और बाद में कितना का अंतर हो गया, 14 साल का अंतर हो गया, है ना। लेकिन लगेगा कि ना सर आप तो जीरो हो जाएगा अंतर निकालेंगे, तो नहीं, तो आप अगर ऐसे नहीं समझते हैं तब पूर्व यानी माइनस और बाद यानी यहाँ पर प्लस ले लीजिएगा, और अंतर जब निकालते हैं यानी घटाते हैं तो प्लस हो जाता है कौन चीज, माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, यस सर, 7 14, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर हम कहें तो कहेंगे कि जब अलग अलग रहेगा यानी पूर्व बाद रहेगा तो अंतर में जोड़ दीजिएगा, बाद रहेगा तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, और जब पूर्व पूर्व ही रहेगा तो घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यही चीज है, तब बुक कह रहा है 14, हम देखेंगे अंतर, तो अंतर देखिए 4 में से 5 गया 1, 5 में से 6 गया 1, अंतर यहाँ पर समान है, अगर नहीं रहता तो नीचे का अंतर ऊपर से, ऊपर का अंतर नीचे से, तुरंत गुना करके हम आगे बढ़ जाते। तब बुक कह रहा है 14, जब ये मिल जाता समझिए कि आपको एकदम भाग मिल गया, एकदम पट से बना देना, तो ये आपसे एकदम पट से, बुक कह रहा है 14, हम कहेंगे
एक हमसे पूछ रहा था किसका, बी की वर्तमान आयु, तो हम बी के क्या निकाल लेते हैं, पूर्व का निकाल लेते हैं। तब पूर्व के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 14 बचे 70 वर्ष, ये हो गया हमको क्या 7 वर्ष पहले का। तो हमको अब आना है वर्तमान में, तो वर्तमान में आने के लिए 7 साल एक में क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77 वर्ष। क्योंकि आप पूर्व, अगर 2 साल पहले हमारे 22 साल एज है तो अभी हमारा कई साल हो जाएगा, 24 ना हो जाएगा, यस सर, 2 साल आने में जोड़ देंगे। चलिए आगे है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। ए का 36 है और बी का 16 है वर्तमान में। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो इसको आप ऑप्शन वाइज बना दीजिएगा पढ़ से, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए की आयु जो है आपका कितना है, 36 वर्ष है, और बी का जो है 16 वर्ष है। कितना साल बाद जो है ए बी से दुगना हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन देखेंगे और जोड़ के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दुगना हुआ कि नहीं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका है 1 वर्ष, तो अगर 1 जोड़ते हैं तो दिमाग में जोड़ना है तुरंत, अरे ये तो हो जाएगा कितना 37, और ये हो जाएगा 17, करने दुगना हो रहा है ना, हो रहा है नहीं ना, दुगना यानी उससे दुगना होना चाहिए। अगर 20 होता है तो 40, 10 तब 20 है ना, तो नहीं होगा। अगला है 2 वर्ष, 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 38, आई 2 जोड़िएगा तो 18, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो पा रहा है। अगला है कंसेप्ट से चलेगा तो एक से लेके फिर काट छाट करिए, उतना नहीं करना है, कुछ ऑप्शन वाइज भी बनाना है, ठीक है। 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 39, ये भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन 4 है, तो 4 जोड़ेंगे तो देखिए 36 और 4 40 हो जाएगा, और 16 4 20 हो जाएगा, देखिए दुगना हो गया, इससे दुगना हो गया ना, यानी हम कहेंगे तो कितना जुड़ने पर, 4 जुड़ने पर, 4 वर्ष बाद जो है क्या हो जाएगा, ए जो है बी से दुगना हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा बी की वर्तमान आयु। तो ये तो बहुत हौला हौला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो चलिए लिखिए ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक है, और ऐसा ही पूछा जाता है आप लोग के, ठीक है, ठीक है। ए की वर्तमान आयु जो है कितना है, 4:5 है, ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तुरंत देखना कि अंतर सेम है, 1:1, हाँ अच्छा, वर्तमान और बाद में कितना का अंतर है, 5, बुक कह रहा है 5, हम कहेंगे 1, है ना, क्योंकि कितना का अंतर है 1। अब पूछ रहा है हमसे कि बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु है कितना, 5, देखिए वर्तमान आयु 5 ही ना है, चलिए 5 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। ए के पूछता 4 से, बाद के पूछता बाद वाला से गुना, जिसका पूछेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आगे शमीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी आयु में कितना अंतर है। अभी क्या पूछ दिया है, अंतर, थोड़ा थोड़ा सा का चेंजिंग करता है बाबू बस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा का चेंजिंग करेगा, ठीक है। क्वेश्चन उतरेगा नहीं, उसको क्या करिएगा, बनाइएगा खुद, ठीक है, बताबल रहे करेगा आप लोग, खुद ही बनाइएगा, है ना, अरे इतना बारीकी से समझाते रहना, समझ में आ जा रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शमीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी आयु में कितना अंतर है ना। तो चलिए देखिएगा, इधर से कह रहा है कि शमीना और सुहाना है, ठीक है, लिख देते हैं शमीना और सुहाना, ठीक है, मेरा हिंदी पर मत जाइएगा, मैथ देखना है, ताकि हिंदी थोड़े हम पढ़ा रहे हैं मैथ में लैंग्वेज का कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो लिखिए कह रहा है कि शमीना और सुहाना की आयु का अनुपात, जब ना कुछ कह रहा है तो क्या चीखा है, वर्तमान का, तुरंत यहाँ पर लिख देंगे वर्तमान, हमको इंडिकेट सिर्फ करना है कितना है, 7:3 वर्तमान में, 6 वर्ष बाद तुरंत यहाँ लिखना है, 6 वर्ष बाद, हम बाद ना लिख के प्लस भी लिख देंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या है, 6 वर्ष बाद की आयु है, इनका अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में कितना का अंतर है, अंतर जो है हर हमेशा क्या होता है,
समान। अगर हम दोनों में, हम लोग, हम में आप लोग में अगर 4 साल का अंतर है तो मरेंगे भी तो कितना का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा। अब जब जन्मे भी होंगे तो यानी 4 साल आगे पीछे जन्मे होंगे, 4 साल पहले हम जन्मे होंगे, 4 साल बाद आप लोग जन्मे होंगे, है ना। अब मरेंगे भी तो 4 साल का ही अंतर होगा, आज भी मर जाए बाद में भी मरे, कभी भी जब जिंदा भी है तो 4 साल का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो ये अंतर जो होता है अलग होता है वर्तमान और बाद का, तो वर्तमान और बाद का कितना का अंतर है, 6 का, है ना। यहाँ पर अंतर देखना है समान है, अंतर समान है, यहाँ पर क्या है 7 में से 5 किया 2 ऐने चल गया कितना 0, है ना। तो ये अंतर समान नहीं है, तो इसको आप नीचे का अंतर ऊपर से भी कर सकते हैं, ऊपर का अंतर नीचे से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको देखिए लिखिए, यहाँ कितना 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 कर लीजिए, तो इसको तुरंत फटाफट 7 दूनी 14 3 दूनी 6 ऊपर से करेंगे 5 4 20 यहाँ से करेंगे तो 4 3 12। आप देख लीजिए हमको इस अंतर से कोई मतलब नहीं है, इस अंतर से कोई मतलब नहीं है, ये कब अंतर देखना था, ये अंतर अब देख लेना है खाली समान करने के लिए, ये अंतर क्या देखना है समान करने के लिए, समझ गए, ये अंतर समान करने के लिए। तो कितना का अंतर है 14 और 20 में 6 का, तब बुक कह रहा था यहाँ पर 6 का, हम भी कहेंगे 6 का। अब पूछ रहा है हमसे अंतर दोनों का, तो अंतर यानी ये अंतर हमसे पूछ रहा है, अगर कितना लड़का है जो बिना अंतर समान कहले भी गुना कर देता है ना, बहुत लोग कर देता ना गुना, कि हमको तो सिर्फ इसका अंतर से मतलब है, तो ये नहीं होगा। आपको अंतर निकालना हो या फिर आयु निकालना हो, हमेशा क्या करेंगे वर्तमान का और बाद का जो है अंतर हमेशा समान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 था इधर 0 था, अंतर समान नहीं था, तुरंत नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे गुना कर दिए। अब देखिए कितना का अंतर आ गया 6 का आ गया, तो बुक कह रहा है 6, हम भी कहेंगे 6। आप देख लीजिए जब अंतर पूछ रहा है तो आप इसका अंतर गुना कर दीजिए चाहे इसका अंतर गुना कर दीजिए, दोनों का अंतर क्या रहेगा समान ही रहेगा। तो अंतर हमारा कितना है 8, तो यानी 8 से हम गुना कर देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ना समझ में आ रहा है तो आप दोनों का आयु निकाल लीजिएगा और उसके बाद दोनों को घटा दीजिएगा, ऐसे भी अंतर निकाल सकता है दोनों के ना, दोनों का आयु निकाल के और उसके बाद घटा दीजिए, या फिर डायरेक्ट हम अंतर पूछ रहा है तो अंतर से ही गुना कर देंगे, तो 6 से 6 खत्म यहाँ 8 बच जाएगा, यानी दोनों कितना बड़ा छोटा है 8 वर्ष का बड़ छोटे। अब है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा बारीकी से, लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद का आयु का गुणनफल 15 है, राजीव की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लिखेंगे पहले कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु और तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, तो हम उनका जो है आयु वर्तमान के पहले मान लेंगे क्योंकि वर्तमान का हमसे पूछ रहा है, तो जो है कुछ कुछ जो है आपको कंसेप्ट नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम उनका जो है वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु अगर हम x मान लेते हैं तो 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु कितना हो जाएगा x-5, और कह रहा है क्या हमको 9 वर्ष बाद का, तो 9 वर्ष बाद हो जाएगा x+9, इसलिए वर्तमान माने क्योंकि वर्तमान से हमको पूर्व जाना आसान होगा और बाद जाना आसान होगा, तो पूर्व में हम मान लिए तो पूर्व हो गया x-5, अब बाद हो गया x+9। कह रहा है दोनों का गुणनफल जो है कितना है 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप जो है गुना कर लीजिए, तो यहाँ से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x2, x में 9 से तो +9x, इसमें करिएगा तो -5x, यहाँ हो जाएगा -45 = 15, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो x2, इसको मिटा देते हैं, लिखिए इसको x2, ये हो जाएगा +4x, ये हो जाएगा इधर आके जुड़ जाएगा तो -60 = 0, तुरंत इसको गुणनखंड कर लेना है, तो गुणनखंड करिएगा तो x2 और हमको 60 के तोड़ना है, तो 60 के तोड़ने के लिए कितना हो जाएगा हमको 10 और 6, है ना, 10 में से 6 जाएगा तो 4 भी बच जाएगा और 10 के 60 भी हो जाएगा, तो चलिए +10x क्योंकि बड़ा वाला 10 लेना है प्लस में ताकि हमको प्लस में आ जाएगा, और -6x और -60 = 0, चलिए दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो x × x+10, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो -6x + 10 = 0, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि प्लस वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर से भी ले सकते हैं कि यहाँ जो हो जाएगा एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन ही कर लेना है।
तो x माइनस छ एक बार हो जाएगा और एक बार x प्लस दस जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास रहता है। तो x माइनस छ इक्वल टू जीरो और एक बार x प्लस दस इक्वल टू जीरो। ये देखिए x बराबर छ, तो हमको हर में से आयु जो क्या होता है प्लस में होता है, क्या होता है प्लस में, और ये जो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस दस। तो माइनस दस जब हो जाएगा तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए ये कभी आयु नहीं होगा, और ये जो है प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका आयु हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये वर्तमान में x मान में किए थे, वर्तमान क्या आ गया। अगर हमको पूर्व पूछता यानी पाँच वर्ष पूर्व जो है उसका आयु कितना हो जाता, एक साल हो जाता, और नौ वर्ष बाद कितना होता, तो नौ छः पंद्रह साल के था। क्लियर? कोई दिक्कत? कितना टाइम जा रहा है? रंजन तथा राखी की आयु का अनुपात, रंजन तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, तो और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, 6 वर्ष बाद रंजन की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो हमको पहले दे दिया है वर्तमान का, जब ना कुछ कहेंगे तो रंजन है और राखी है। ठीक है, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, रंजन और राखी है जिनका आयु का अनुपात 15:17 है, 6 वर्ष बाद, ये जब पूछने का रहा तो किसका है वर्तमान का है। ठीक है, और 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, देख लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तब पूछ रहा है 6 वर्ष बाद का ही, तो 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष वाला से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अंतर देख लेंगे पहले, यहाँ वर्तमान और बाद में कितना का अंतर है 6 का, यहाँ देख लेते हैं अंतर कितना है, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा आपका 6, अंतर समान नहीं है, तो नीचे का अंतर क्या करना है ऊपर गुना कर देना, ऊपर का अंतर नीचे गुना कर देना। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो 15:17 हो जाएगा ना, 15:17 ऊपर गुना, और दूसरे यहाँ हो जाएगा तो 9×2=18 और 10×2=20, कितना का अंतर, 3 का अंतर आ गया, लेकिन अंतर समान आ जाएगा। बुक कह रहा है 6, हम कहेंगे 3, पूछ रहा था हमसे 6 वर्ष बाद का रंजन की आयु, तो 6 वर्ष बाद रंजन की आयु कितना था 9 वाला ये ना, हाँ, तो चलिए 9 से इसमें हम गुना कर देंगे, तो 6×2=12 और 9×2=18 वर्ष, इज राइट आंसर, कहीं पर दिक्कत नहीं ना है। रंजन के 6 वर्ष बाद, सॉरी ये हमारा आयु नहीं होगा बाबू, देखिए मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, ये कहा कहें, ये तो गलत हो जाएगा ना, इसको नहीं, इससे हम चलेंगे ना, हाँ, तो चलिए यहाँ बुक कह रहा है 6, हम देखेंगे 3, पूछ रहा है हमसे 6 वर्ष बाद का, तो 6 वर्ष बाद का रंजन का आयु ये हो जाएगा, तो 18 से इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आयु नहीं होता, ये खत्म हो जाता है जब अंतर समान नहीं रहता, तो नीचे वाला नहीं। ठीक है, ये रंजन था और ये राखी था, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, और 6 वर्ष बाद का ये था 18, तो 6×12=18×36, आपको पहले ही हो जाना चाहिए क्लियर कि हाँ हमको गलती हो रहा है कि सही। ठीक है, आगे है कि सीता और गीता की आयु का अनुपात, अगला क्वेश्चन है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है 10 वर्ष बाद, अभी योग दे दिया, अभी थोड़ा सा अंतर क्वेश्चन क्या है अलग है, अभी कह रहा है कि सीता और गीता, दिख रहा है ना, यस सर, सीता और गीता की आयु का अनुपात 8:9 है, यानी वर्तमान का है, क्या है वर्तमान का है। ठीक है, आपको इतना लिखना नहीं, हम तो लिखते हैं समझाने के लिए, और कह रहा है कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, क्या है 68, तब बुक कह रहा है 68, हम देखेंगे 9×8=17 है ना, वर्तमान का ही है, जब ये भलू के हो सकता कि योग रहता बाद का, अनुपात रहता वर्तमान का, तब हमें दिक्कत होता। ठीक है, लेकिन जो है आयु भी दिले है, अनुपात भी वर्तमान का, योग भी दिले है वर्तमान का, तो हम तुलना कर सकते हैं। बुक कह रहा है 68, हम कहेंगे 9×17, पूछ रहा है 10 वर्ष बाद के, तो हम क्या निकाल लेंगे पहले वर्तमान के, तो वर्तमान के पहले हम आयु इनका निकालते हैं, तो दोनों का पूछ रहा है, तो 8 से सीता के लिए और 9 से गीता के लिए। ठीक है, तो सीता का हो जाएगा ये 17×6=8×32, यहाँ से करेंगे तो 9×36 हो जाएगा गीता का। अब हमसे पूछा था 10 वर्ष बाद की दोनों का आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद 32 में 10 जोड़ देंगे और 36 में 10 जोड़ देंगे, 32×10=42 हो जाएगा, 36×10=46 हो जाएगा, काटिएगा तो 21×42 और 23×46, यानी 21:21 हम कहेंगे क्या हो जाएगा 23। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, वीडियो को अगर ना समझ में आएगा रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरुण और दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है, कह रहा है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले भी बताया कि जो अंतर होता है ये बाद का रहे चाहे पूर्व का रहे या वर्तमान में रहे, अंतर क्या रहेगा हमेशा समान रहेगा। ठीक है, तो अरुण और दीपक है जिनका आयु का अंतर, अंतर यानी हम कहेंगे यहाँ पर माइनस से लिख देते हैं, कितना है
14 वर्ष का है। अब कह रहा है सात वर्ष पहले, सात वर्ष यानी पूर्व, सात वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात सात अनुपात सॉरी पांच अनुपात सात था। तो देखिए तब पूछ रहा है हमसे कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो बताएंगे कि तुलना करेंगे। तो बुक कह रहा है अंतर कितना का, 14 का, और सात वर्ष पूर्व के ही रहे आयु चाहे वर्तमान के या बाद दोनों क्या रहेगा, सातवें साल के बड़ा छोटा रहेगा। जब 14 साल के यहाँ पर बड़ा छोटा है तो यहाँ पर भी 14 का रहेगा, लेकिन ये अनुपात में है तो तुलना हम क्या कर सकते हैं, आयु से अंतर से कर सकते हैं। बुक कह रहा है 14 का अंतर, हम देख रहे हैं कितना का अंतर, 2 का। तो चलिए तुलना कर देंगे 2 का। हमसे पूछ क्या रहा था, दीपक की वर्तमान आयु, तो हम दीपक के पहले निकाल लेंगे सात वर्ष पूर्व के, क्योंकि जो दिया रहेगा उसी से ना निकालेंगे। तो चलिए सात से हम गुणा कर देंगे, तो सात दूनी चौदह सत्तर उनचास। ये जो एज निकला लड़का यहीं पर मार देगा, ऑप्शन रहेगा 49, थर्ड से मार्क निकल जाएगा 49। तो ऐसा नहीं है, ये जो है क्या चीज के निकाले हम, सात वर्ष पूर्व के निकाले, कब के निकाले, सात वर्ष पूर्व के। लेकिन पूछ रहा है वर्तमान के हमसे, तो वर्तमान में आने के लिए हमको सात साल इसमें क्या होगा, जोड़ना होगा। तो 49 और 7 कितना, 56 वर्ष। और इसी में क्या होता है लड़कन, जो है ऑप्शन फर्स्ट में 49 दिखेगा और मार के निकल जाएगा, हम तो 49 मार के आए, है ना, तो क्वेश्चन यही में गड़बड़ा जाता है। चलिए आगे करते हैं, कह रहा है कि ए अनुपात बी 5 अनुपात 7 तथा बी अनुपात सी 6 अनुपात 11। तो ए बी सी इसको बताए हैं हम, इसको बनाइए तो आप समीकरण मेथड से, ठीक है। तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात 7, फिर दिया हुआ है बी अनुपात सी कितना, 6 अनुपात 11। अब यहाँ पर देखिए हमको बराबर करना होता है तभी ना लिखेंगे, यहाँ देखिए कौन बराबर है, बी, तो यहाँ पर भी हम इसको बराबर करेंगे 7 और 6 के। तो 7 और 6 बराबर कब होगा, तो क्या करेंगे, जब नहीं लगे कि बराबर होगा तो उल्टा गुना, तो इसमें 6 से गुना और इसमें 7 से गुना। चलिए कर दीजिए, यहाँ से पूछ रहा था ए बी सी लिख देंगे, 6 5 30 7 6 42, फिर तो 7 6 42 बी वाला लिखा ही गया है ना, तभी क्या करेगा, एकरो में सोच रहेगा 7 6 42 7 6 42 कैसे करें, ये नहीं सोचना है। एक बार जब 7 6 42 हो गया तब फिर देखो कि बी के थोड़ा सा दिमाग को शार्प माइथ है, जीके जिसना है कि बाबर 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 हिमायू बाबर हिमायू बाबर हिमायू बाबरे फिक्स है, लेकिन एकदम फिक्स नहीं है, अंक चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देना कि इसमें ये फिक्स है कि बी भी फिक्स रहेगा, तब बी का वैल्यू जब यहाँ 42 लिख दिए हैं तो यहाँ पर 42 तो फिर वही वैल्यू ना लिख रहे हैं जी, बी का वैल्यू फिर लिख रहे हैं, तो बी का फिर तो 42 लिखाएंगे अनुपात। अब सी वाला लिखना है 11 7 77, ये हो गया आपका। अगर पूछ देता ए अनुपात सी तो हो जाता 30 अनुपात 70, ठीक है, यही दो चीज़ पूछता है आपसे, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है यार, हलुआ है भैंसो, बिना बुढ़वा नहीं बिना पानी के भैंसो गटक जाओ, कट से चल जाएगा पेट में, बुढ़ा लोग के देखा है ना। चलिए आगे, अगला है फिर क्वेश्चन कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, एक्स अनुपात ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है आपका 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5। तो हमसे अभी अलग पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है कि ए प्लस बी और अनुपात बी प्लस सी, इसको डायरेक्ट रख दीजिए, इसको डायरेक्ट रख दीजिएगा कि आप पहले निकालिएगा, तो पहले इसको क्या निकालना होगा हमको ए और बी सी का, कहे कि देखिए बी का एक जगह 3 है एक जगह बी के 4 है, कौची रखेगा, तो लेकिन क्या करेगा, एक जगह बी के 3 लिख देगा एक जगह बी के 4, और यही चल तो इसे देता है। तो हम पहले निकाल लेंगे तुरंत जो अभी बताए थे, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है ना, और बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, फिर यहाँ पर रेशियो बराबर करेंगे किसको, बी को, फट सही से करना है, बी को बराबर करेंगे तो उल्टा तुरंत गुना करिए, इसमें 4 से इसमें 3 से, चलिए 4 2 8 4 3 12 4 3 12 तो लिखाएंगे आप, 5 3 15 यही हो गया 18 12 15, मेरा यहाँ पर पुट करिए तो 8 अनुपात 8 प्लस 12 अनुपात यहाँ पुट कर दीजिए 12 प्लस 15, ठीक है 8 12 20 अनुपात 27, यही ना, बीस अनुपात 27। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स अनुपात बाई बराबर 3 अनुपात 4, तो हमसे पूछ रहा है 7x, देखते चलिएगा 7x प्लस 3y और अनुपात 7x माइनस 3y, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है मेरा x का एक ही वैल्यू है और y का भी एक वैल्यू है, जब एक वैल्यू है तो तुरंत पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करिएगा कितना, x का 3 तो 27 21 और प्लस
चार रखेगा तो चार दिया बारह, अनुपात फिर रखिएगा सतिया इक्कीस और माइनस चार दिया बारह, इक्कीस बारह कितना तैतीस, अनुपात इक्कीस में से बारह गया नौ, अभी कटेगा इन्हें कितना ही पर छोड़ दीजिएगा, नहीं अगर ये भी वैल्यू दिया हुआ है और काट के दिया हुआ है तो काटने वाला मेरा आंसर सही होगा, क्योंकि ये जो रेशियो में है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो काटिए तीन दिया आई नौ ग्यारह दिया तैतीस, यानी ग्यारह अनुपात तेरह इज राइट आंसर, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगला है कि ए किसी व्यक्ति का आय तथा व्यय, आय तथा व्यय व्यय का अनुपात दे दिया है, और आय और व्यय का, आय है ग्यारह और व्यय है दस, ग्यारह अनुपात बारह है सॉरी ग्यारह अनुपात दस है, यदि प्रति वर्ष नौ हजार रुपया बचाता है, यानी बचत उसको क्या हो रहा है, बचत नौ हजार रुपया उसको हो रहा है, तो अब इसको हमको ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन में यही सब देगा आपको अलग अलग, अब उसकी मासिक आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मासिक आय, तो ये जो दिया हुआ है ये वार्षिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे मासिक आय पूछ रहा है, तो पहले हम वार्षिक के निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें 12 से भाग दे देंगे, एक महीना के निकल जाएगा, तो देखिए आपको बचत थोड़े देगा, बचत आपको दिमाग से लग निकालना है कि बुक कर रहा है बचत 9000 बचा रहा है, तो आय उसका 11 रुपया हो रहा है, व्यय 10 रुपया, तो यानी बचत होता है क्या, बचत बराबर आय माइनस व्यय, तो आय में से व्यय घटाइएगा तो 11 में से 10 गया एक, यानी हम देख रहे हैं बुक कर रहा है 9, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 रुपया बच रहा है ना, अब निकाल लेंगे उसका मासिक आय निकालना है, तो हम वार्षिक आय निकालेंगे, तो वार्षिक कितना था 11, 11 से गुना कर देंगे तो 11 × 99 पर 3 यानी 99000 उसका पर सालाना कमाई है, तो हमसे पूछा मासिक आय, तो मासिक आय के लिए क्या करेंगे इसमें 12 से हम भाग दे देंगे, 99000 में 12 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आपको 82050 रुपया, यही ना आता है। अगला है कि 15:9 के प्रत्येक पद में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन ये पूछता है आपको बाबू, ठीक है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 में हो जाए, तो चलिए इसको कंसेप्ट से भी आप लोग बनाइएगा, कंसेप्ट में हम खाली लिख देंगे और ऑप्शन वाइज आपको समझना है, दो गो संख्या है इसमें से क्या घटाया जाए, तो इसको हम पहले बटा में कर लेंगे, 15:19 अनुपात मतलब क्या होता है बटा, इसमें से क्या घटाया जाए कि जो ये संख्या जो है 3:4 में हो जाए, घटाने यानी x घटाएंगे, दोनों में से x घटाएंगे, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, जो x आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम अगर ट्रिकुला से चले ऑप्शन वाइज चले, तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन रखेंगे कि कितना रखें, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा 5 है, तो 15 में से 5 जाएगा 14, एकरा में से 19 में से 5 जाएगा, 15 में से कितना जाएगा 5, तो 10 बचेगा और 19 में से 5 जाएगा तो 14 आएगा, काट सकते 3/4 नहीं आएगा, अगला फिर ऑप्शन रखिएगा आप 3, तो 3 रखेगा तो 15 में से 3 गया 12 और 16 में से 19 में से 3 गया 16, काट छाट करिएगा आ जाएगा 3/4, यानी यही ऑप्शन से हम चलाएंगे जल्दी बनेगा, ऐसे आप कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल लीजिएगा, दोनों आपको बता दिए। अगला है कि दो संख्या का अनुपात जो है हमको दे दिया है, दो को संख्या है जिसका अनुपात 3:8 है और इनका अंतर जो है अंतर जो है 115 है, तो हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, क्या पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन आप ऐसा ही लिखते चलिएगा, तोड़ तोड़ के बताएंगे, तोड़ तोड़ लिख लीजिएगा, ठीक है, दो संख्या का अनुपात इतना है, अंतर 115 है, इनका सबसे छोटी संख्या, तब बुक कह रहा है 115 के अंतर, हम देख रहे हैं दोनों में कितना का अंतर है 5 का, तब बुक कह रहा है 115, हम कहेंगे 5, अंतर तुलना जब भी करना है तो सेम से अंतर के तुलना अंतर से, योग का तुलना योग से, है ना, गुणनफल का तुलना गुणनफल से, वर्तमान का तुलना वर्तमान से, बाद का तुलना बाद से, है ना, ये दिमाग में हर हमेशा रखना कि तुलना जब भी करना है हमको तो ऐसे संख्या तुलना करना है जो सेम रहेगा, ठीक है, तब बुक कह रहा है 115 अंतर, हम कहेंगे 5, पूछ रहा हमसे छोटी संख्या तो 3 से हम गुना कर देंगे, तो 23×15=63, कोई दिक्कत हो गया ना। अगला है फिर कि अगला क्वेश्चन है कि 1:22 = 7:3, तो x²+y²-y², यही सब क्वेश्चन आप लोग का आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल सब में पूछता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, फर्स्ट के तुलना फर्स्ट से लास्ट के तुलना लास्ट कर देना है, वैल्यू आपको कभी कभी इसी को चीज को बटा में दे देगा ऐसे, x / y = 7/3, तो सामने सामने वाला उसका वैल्यू हो जाएगा,
एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 3, अनुपात में देगा तो फर्स्ट के फर्स्ट लास्ट के लास्ट, पुट करिएगा तो एक्स गुणे वाई यानी 21 और प्लस वाई का स्क्वायर यानी 9, 3 × 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ रखिएगा तो 47 49, यहाँ रखिएगा 3 तो 3 × 9 21 19 कितना हो गया 30, इधर हो जाएगा 49 में से 9 गया 40, काट दीजिएगा आ जाएगा 3/4 या 3/4, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात बताइए। तो ये जो है आपका अनुपात समानुपात में जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछता है और तीनों का आप फार्मूला जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मध्य अनुपात लिख लीजिएगा, हम बोलेंगे आप लिख लीजिए, मध्य अनुपात का होता है √a × b, ठीक है, तृतीय अनुपात का होता है आपका b² / a, है ना, और चतुर्थ अनुपात का होता है जो है b × c/a, ठीक है, यही तीन क्वेश्चन आपको एकदम बैठा के पूछ देगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है तृतीय अनुपात, तो तुरंत क्या करेंगे b² यानी b है 24 ना, तो 24 × 24 और बटा a है कितना 16, तो काटिए तो 8 × 2 = 16 अवार्तिया 24 अवार्तिया 24 सॉरी काट दिया गलती है ना, यहाँ 8 × 16 तो 2 से अवार्तिया 24 3 से और फिर हो जाएगा 12 × 24 तो 12 × 36 इज राइट आंसर, ठीक है, यहाँ काटे 8 से तो 8 × 16 और 8 × 24 8 से जब काट रहे हैं तो 8 से दोनों में भाग देंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर इसको काट दिया 12 × 24 कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। चलिए अगला फिर है कि अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 4a - 5b अब बटा 4a + 5b बराबर 1/6, तो a अनुपात b पूछ रहा है हमसे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर लीजिएगा, तो 6 से करिएगा तो 6 × 6 = 24a और −6 = 30b बराबर 1 से करिएगा तो 4a + 5b घटा दीजिए इधर लाके तो 24 में से 4 जाएगा तो 20a और ई जाके उधर जुड़ जाएगा तो 35b, है ना। तो चलिए a अनुपात b, इधर वाला इसका वैल्यू होता है इधर वाला इसका वैल्यू होता है, तो हो जाएगा 35 / 20 काट दीजिएगा तो 7 × 35 = 4 × 20 हो जाएगा ना 7/4 इज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि a का 15% बराबर b का 20%, तो a अनुपात b पूछ रहा है, a का 15% बराबर b का 20%, तो a अनुपात b बराबर भाट, तो सिंपल है प्रतिशत हटाएंगे का मतलब तो गुना होता है, अब प्रतिशत मतलब क्या होता है 100, तो 100 हट प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना, का मतलब गुना होता है, यहाँ पर गुना डाल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से ऊपर कटता है 3 × 15 और 4 × 20, अब बताए थे कि ए वाला इसका वैल्यू बी वाला इसका वैल्यू, है ना, उल्टा वैल्यू होता है ना, इधर लगा इधर लगा इधर, तो चलिए ए अनुपात बी हमसे पूछ रहा था तो ए का वैल्यू 4 हो गया और बी का वैल्यू 3 हो गया, कोई दिक्कत, वहां पर आपको 3/4 भी रहेगा, तो ध्यान से आप मारिएगा कि मेरा क्या आंसर होगा, तो 4/3 इज राइट आंसर, हाँ इधर वाला का इधर होगा इधर वाला का इधर हो जाएगा, ठीक है, तो लड़ जाता है थोड़ा सा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया तुरंत कि 6 और 24 का मध्य अनुपात, तो हम बताए थे कि मध्य अनुपात बराबर होता है a अनुपात b, सॉरी a गुने b, तो 6 × 24 तो 144 के वर्गमूल कितना, यानी आंसर हो जाएगा मध्य अनुपात बराबर 12, कोई दिक्कत। आगे फिर है कि दो संख्या जो है 3/4 में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, यानी एलसीएम हमको दे दिया है कितना 84, ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए शॉर्ट में जब हमको कहेगा कि 3 और 4 का एलसीएम 84 या मसा 84, तो हम डायरेक्ट एलसीएम यहीं पर निकाल लेंगे रेशियो में ही, तब बुक कह रहा है 84, हम कहेंगे 3 और 4 का एलसीएम ना निकलेगा तो क्या करेंगे गुना करते हैं, जब ना निकलता है तब गुना, तब बुक कह रहा है 84, हम कहेंगे 4 × 12, पूछ रहा है हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए 4 से गुना, तो हो जाएगा 68 × 84 = 28 इज राइट आंसर। अगर इसमें कह देता कि HCF 20, तब बुक का अगर HCF हमको दे देता तब बुक कह रहा 20 HCF, हम कहेंगे 3 और 4 का मतलब कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, तो 1 बड़ी पूछता 4 से गुना, जैसे कहेगा वो आपको निकाल देना है, ठीक है, तुलना करना है जब भी तो उसी टाइप से, ठीक है। अब आ गए हम लोग लाभ हानि क्वेश्चन, अब आ गया लाभ हानि, रेशियो तेशियो खत्म हो गया, अब चलते हैं लाभ हानि क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट लॉस से,
तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार। तो चलिए देखिए, कह रहा है एक कुर्सी को 100 रुपया में बेचने पर 10 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप आराम से बनाइए, जब ये बताएंगे तो आपको फार्मूला नहीं करना है, आपको जो है डायरेक्ट बनाना है, फार्मूला का कोई ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ जो तुलना करने के लिए हम बोले हैं वो तुलना सही करना है। क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से, विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से, लाभ का तुलना लाभ से, हानि का तुलना हानि से, ठीक है। तो चलिए तुलना करते हैं, एक कुर्सी 100 रुपया में बेचने पर कितना बेच रहा है, 100। तब बुक कह रहा है विक्रयमूल 100, 10% 10 रुपया का लाभ होता है, 1 रुपया का लाभ होता है, 10 रुपया का, तो लाभ हमको दे दिया है कितना रुपया, 10 रुपया। तो ये देले है हमको विक्रय मूल और लाभ देले है, तो हम क्रय मूल निकाल लेंगे, क्रय मूल मेरा कितना हो जाएगा, 90 रुपया, 100 में से 10 आएगा, लाभ जब भी होता है तो कौन सी होता है, क्रय मूल से ज्यादा, तो विक्रय मूल में से लाभ घट जाता है, ये तो ध्यान में रखना है हमको। अब हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल, ये तो याद ही रखना होगा यार, है ना, ये तो बहुत हम याद किए हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, क्लियर। तो क्रयमूल हो गया, तो 100 बटा 9 भागा दीजिएगा 11 पूर्णांक 1/9%। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रयमूल 7840 रुपया है, अभी क्रयमूल दे दिया कितना 7840 रुपया, 7% लाभ पर उसको कितना में बेचा जाएगा, 7% लाभ यानी इतना में हम खरीदे हैं और हमको कोशिश है कि 7% लाभ कमाएं, तो कितना में बेचेंगे भाई, दुकानदार भी सोच के सब चीज लगाता है कि कितना लाभ लगाएं कितना, इन्हें ठिकाने बेच दिया उसको, तो 7% के लाभ कमाना है। तब क्रयमूल का तुलना, हर हमेशा क्रयमूल जो होता है कितना होता है, 100 होता है, हम अगर क्रयमूल मानेंगे तो कितना मानेंगे, 100। तब बुक कह रहा 7840 क्रयमूल, हम कहेंगे 100, 7% के लाभ कमाना है, तो 100 रुपया का वस्तु 7% लाभ तक 107, ठीक है, इसको काट छाट आपको कर देना है, क्लियर, और गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसका आंसर 8888.8 के समथिंग आ जाएगा, आप इसको गुना उना कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन है, आप इसको गुना भागा कर लीजिएगा। आगे है कि किसी वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर, फिर देखिए कितना में बेच रहा है, 270 रुपया में बेच रहा है, अभी विक्रय मूल्य दे दिया है, 270 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो अभी क्रय मूल्य पूछ दिया, अभी क्या पूछ दिया, क्रय मूल्य, तब तक क्रय मूल्य दे रहा था विक्रय मूल्य पूछा, अभी विक्रय मूल्य दे दिया है क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, बुक कर रहा है 170 रुपया विक्रय मूल्य, हम कहेंगे 12.5% लाभ, तो जब भी विक्रय मूल्य निकलता है तो जुटता है, जैसे 7 कर रहा था तो 107, अभी 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5, आप पूछ क्या आराम से क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, तुलना विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्लियर। अब पॉइंट हटाइएगा, यहाँ ये वो 0 बैठ जाएगा, इसको काट छाट करिएगा आप, इसको काटिएगा आप, तो ये कटेगा आपको 5 से 225 बार में, है ना, कट जाता है ना 5 से 225 बार में, और इसको 5 से आप काटिएगा तो कट जाएगा कई बार में आपको, 20 बार में, क्लियर। और देखिए कटेगा और कटेगा ये 4 5 और ये कट जाएगा आपको 45 5 कट जाएगा ना, अब 45 से ये आपको कट जाएगा, 45 से कट जाएगा ये आपको 6 बार में, यानी 60 बार में कट जाता है, है ना, यानी 60 बार में ये आपको कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6 6 40, 240 रुपया आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है। अगला है किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु को 600 में बेचने पर कितना प्रतिशत के लाभ होगा, एकदम हौला हौला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, 500 में बेच रहा 25% के लाभ, तो 600 में बेचने पर, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, तो 500 रुपया में बेचने पर 25% के लाभ, तो फिर तुलना करेंगे हम, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि 600 में बेच रहे हैं तो कई परसेंट के लाभ हो रहा है, कई रुपया के लाभ हो रहा है, तब लाभ प्रतिशत, तब बुक कह रहा है 500, हम कहेंगे 25% के लाभ पर 125 में, क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 से, गुना पहले कर लेंगे क्रय मूल्य, यही दिमाग मैथ जो 100 लगाना, 600 में बेच रहे हैं तब लगाएगा, अरे 500 में बेच रहा था इतना लाभ 600 कैसे करें, तो सबसे पहले दिमाग यही लगाना है हमको कि क्रय मूल्य चेक करना है, क्या करना है क्रय मूल्य, तब देखना कि 600 में बेचेंगे, पहले हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद 600 में बेचेंगे, तब देखेंगे कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य के लिए 100 से गुणा इसको काटिए, 25 5 और 25
चौ, पांच सौ इसको काटिएगा 100 बार में, यानी कितना रुपया 400 में आप खरीदे थे, आप 500 में बेचे तो 25% के लाभ हुआ। अभी 400 में खरीदे किए हैं और 600 में बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं 600 में, तो तुरंत निकाल लीजिए लाभ। तो 600 में जब बेच रहे हैं तो लाभ कितना 200 रुपया के, तो लाभ गुने 100 आप बटा का बताए थे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 400। क्लियर, ये कट जाएगा आपको दो बार में, दूसरे ही कट जाएगा 50 बार में, यानी 50% के क्या हो गया लाभ हो गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको सुन लीजिए। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रय, जो विक्रेता था यानी बेचने वाला था, उसको 10% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है, देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपया कम में बेचता तो उस विक्रेता को 10% की हानि होती। तो देख लीजिए, तो 80 रुपया का अंतर, यानी जो है एक बार बेचा और उसके बाद बेच रहा था, कितना का अंतर हो रहा है, 80 रुपया कम में बेच रहा है, यानी अंतर कितना का है 80 का है, और उस समय क्या लाभ हुआ था 10% का लाभ हुआ था, और अभी क्या हो गया 10% की हानि, यानी यहाँ पर भी लाभ और हानि का अंतर कितना का हो गया 20 का ना। हाँ, तब बुक कह रहा है 80 रुपया के कम हो रहा है, और हम देख रहे हैं कितना कम हो रहा है 10% लाभ और फिर 10% हानि जाएंगे तो कितना के 20% का हानि हो जाएगा। तब बुक कह रहा है 80, हम कहेंगे 20, हम कहेंगे 20, हमसे पूछ क्या रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए सीधा सीधे। कितना हौला क्वेश्चन था, लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लग रहा था ना कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझना है, थोड़ा सा तुलना करने हमको आना चाहिए कि लाभ हो रहा है 20% का, फिर 20% की हानि, तो लाभ और हानि जब, जैसे आयु में बताए थे कि बाद और वर्तमान रहता है, सॉरी बाद और पूर्व रहता है, तो दोनों जुड़ता है, तो उसमें भी लाभ हानि रहेगा तो जुटेगा, लाभ लाभ रहेगा घटेगा, हानि हानि रहेगा घटेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 के है तो लाभ प्रतिशत बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, आपको दोनों पूछ सकता है। तो आपको देखना है कि खरीद रहा है 5 रुपया में और बेच रहा है 6 रुपया में, तो लाभ हो रहा है, तो कई रुपया का लाभ हो रहा है 1, तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कई रुपया 5, 5 इसको काट दीजिए कई रुपया कई प्रतिशत 20%, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुआ वाला एकदम क्वेश्चन है यार। कि किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा, अभी देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन किया है, अभी रुपये में तुलना कर रहा है कि किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है, लाभ क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हम लाभ मान लेंगे कि लाभ कई रुपया का हो रहा है, लाभ मान लीजिए कि 100 रुपया हो रहा है, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे बेचने बेचना ही रहे तो हम इसका बनाएंगे कैसे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य से, कहीं क्रय मूल्य जो है हर में सब समान रहेगा, उसी वस्तु को आप 69 में बेच दीजिए चाहे 71 में बेचिए चाहे 75 में बेचिए, क्रय मूल्य तो आपको समान रहेगा। तो शुरू में कह रहा है कि 69 में बेच रहा है तो उसका जो लाभ, और जो है 78 में बेच रहा है इसका लाभ जो है, इसका लाभ जो है इसका लाभ का आधा है, और इसका इसका लाभ जो है इसके लाभ का दुगना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, बार बार कहते हैं क्रय मूल्य जब निकलता है लाभ जब होता है तब विक्रय मूल्य में से घटता है, तो हम शुरू में लाभ x मान लिए, अगर जो लाभ क्या हो रहा है 78 में बेचने से दुगना हो जा रहा है, तब यानी 2x हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा सीधा दुगना, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, और इधर आके तो घटाइए तो कई रुपया के 9, आई चल जाएगा तो कितना x, यानी कितना रुपया का हमको हो रहा है लाभ 9 रुपया का, तो हमसे पूछ क्या रहा था कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी 9 रुपये ग्राम से घटा दीजिए चाहे 9 × 2 = 18 इसमें से घटा दीजिए, तो मेरा क्रय मूल्य बराबर जो हो गया 69 - 9 रुपये, क्या कि मेरा लाभ कितना 9 है ना, तो यानी 60 रुपये का हमको हो गया क्रय मूल्य, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, अब आगे आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, तो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, इसमें सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि काम बराबर, ठीक है चलो इसको उतार लिए, चलिए बराबर जो होता है हर हमेशा याद रखिएगा, काम बराबर जो होता है आपका आदमी गुने, यानी आदमी जो करने वाला होगा, आदमी हो जानवर हो मशीन हो कुछ हो आप ले लीजिए वहां पर, जो करने वाला हो जो करता हो, यानी जैसे इंग्लिश में कहते हैं उसको सब्जेक्ट है ना,
तो यानी कर्ता, तो कार्य और गुणे क्या होता है समय, काम बराबर जो होता है करने वाला और गुणे क्या होता है समय, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसी से मैथ टोटल बन जाता है। तो कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो 10 व्यक्ति, तो हम इसको क्या बनाएंगे काम बराबर काम से, क्योंकि एक ही काम को किया जा रहा है दोनों द्वारा, है ना, तो काम बराबर काम से। तब 20, अभी बताया कि आदमी गुने समय जो होता है क्या होता है काम करता है, तो 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहा है यानी इतना ही काम को, फिर जो है 10 आदमी कितना दिन में करेगा, तो हम मान लेंगे कितना दिन में करेगा, एक दिन में करेगा, इसको काट दीजिए 10 × 20 यानी एक से बराबर 30 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही मैथ जो है यही चीज होता है, आपको ध्यान में रखिएगा। आगे है, 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिन में बना सकता है तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी, तो यहाँ पर जो है काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है दीवार, है ना, तो इसको जो हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा दिमाग से बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे M1 गुने D1 और गुने H1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बराबर होता है, और यहाँ पे आपका होता है W1 / W2, ये जो होता है MDH का जो कहते हैं फार्मूला, उससे इसको हम बनाएंगे। तो M जो होता है आदमी, D होता है दिन, IH होता है घंटा, अब काम हो गया आपका W1, तो जो ये आदमी करेगा उसका नीचे काम ले लेंगे, ई जो करेगा उसका नीचे काम ले लेंगे। कभी कभी दे देता है कि ये काम कर रहा है एक ही कर रहा है दुगना, तो इस काम में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसको बनाएंगे। तो चलिए लिख रहा है क्या कि 51 व्यक्ति 170 मीटर, तक काम हो रहा है क्या 170 मीटर, तो काम हो गया 170 नीचे ले लेंगे, कितना घंटा काम कर रहा है 25 दिन रेगुलर कर रहा है, घंटा नहीं दिया हुआ है दिन दे दिया 25 दिन रेगुलर कर रहा है। आगे फिर कह रहा है उसी चीज को कि 30 व्यक्ति जो है 120 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में करेगा, यानी एक दिन में, जो किया गया काम नीचे और जो नए हो उसका ऊपर, इसको काट छाट आप कर लीजिएगा, है ना, तो काटिएगा तो 17 * 51 और 3 * 30, है ना, 3 * 30 और इसको गुना कर लीजिएगा आप, 3 काटेगा, देखिए इसको काटिए तो 2 * 5 = 5 × 10 और 6 * 12, आई कट जाएगा 5 * 5 = 25 और क्रॉस मल्टीफिकेशन तो 6 * 5 = 30 बराबर एक्स, यानी एक्स क्या था मेरा दिन था तो 30 दिन, कोई दिक्कत समझ गए? यस सर। हाँ, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का, इस लेवल का आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दे तो बनाए, क्योंकि टाइम आपके पास है, है ना, टाइम आपके पास है। तो चलिए जो है देखिए, अब जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम चल जा रहा है ना, समझाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, ठीक है, तो क्योंकि मेरे लेखन तो इसको 2 घंटा 1.5 घंटा में पूरा 100 क्वेश्चन बनाया था, तो अपना बनाना और एक समझाना, दोनों में अंतर होता है, समझाने में लिखना पड़ता है, बनाने में कि उसको आप जल्दी कैलकुलेशन मुझे मानिए भी करके उसको आप आंसर दे सकते हैं। तो आप हड़बड़ाइए नहीं, जो ये मैराथन चल रहा है इसको 102 क्वेश्चन इसमें है पूरा, ठीक है, आप देख रहे हैं अभी इसमें जो है 4 पन्ना अभी बचा हुआ है, हम अभी एक ही पन्ना में थे, ठीक है, और 1.5 पन्ना इधर पहुँचे हैं, तो अभी 37 क्वेश्चन हो चुका है, 38 के बाद अभी बचा हुआ है, तो अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो आपको हो सकता है कल चल जाए या परसों आपको डाला जाएगा, 1-2 दिन में डाला जाएगा, तो आप उसको करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो भी भाई हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, और हमारे बंदे भी अभी कुछ घर पे हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर, और अगले वीडियो के लिए फिर से हम इसमें हाजिर होंगे।